हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है टाटा अल्ट्रोस का बेस वेरिएंट, जिसका आज मैं आपके साथ जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूं। और एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन भी देखेंगे कि आज के टाइम में गाड़ी लेना वर्थ है या नहीं है। फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना होता है कि टाटा के जो इंजन है काफ़ी नॉइज़ी होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की आवाज़ बाहर से सुनाऊँगा, उसके बाद मैं आपको गाड़ी की आवाज़ अंदर बैठ कर भी सुनाऊँगा, ताकि आपको पता लग सके कि इसका केबिन कितना नॉइज़ी है। चलिए मैं गाड़ी को ऑन करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और गाड़ी में बाहर से कितना क्या नॉइस है। यार, कई लोगों के मन में इसकी परफॉर्मेंस को लेकर भी डाउट रहता है कि थ्री सिलेंडर इंजन होने के कारण कितना क्या रिफाइन है, तो आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी को चलाकर देखेंगे कि इन बातों में कितनी क्या सच्चाई है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैंने गाड़ी की आवाज़ तो आपको बाहर से सुना दी थी, अभी मैं गाड़ी को कर लेता हूँ ऑन, ताकि आप गाड़ी की आवाज़ अंदर से भी सुन सकें। देखिए, अभी हमारा RPM 1000 RPM पर है हमारी गाड़ी। तो कार का रिफाइनमेंट उतना नहीं है जितना लोग इसे बताते हैं कि गाड़ी काफ़ी नॉइज़ करती है। हाँ, माना कि बलेनो और i20 बराबर साइलेंट केबिन हमें नहीं मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ यही गाड़ी हमें ऑफ़र कर रही है। सबसे पहले बात करें इसके इनिशियल पिकअप से, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी अभी आइडल कंडीशन में है। अब मैं इसे बिना एक्सीलेटर दिए उठाकर देखता हूँ कि हमारी गाड़ी में कितना दम है। ये मैंने डाला फर्स्ट गियर, अब मैं इसे उठाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी बिना किसी झटके लिए बड़े आराम से उठ गई है। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 87 BHP की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। और कंपनी क्लेम इसका ARAI माइलेज 19 का है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 1.2 लीटर का जो इंजन है ये क्या कमाल कर सकता है, तो अभी आप देखिए, मैं गाड़ी को रोक लेता हूं, अभी आप देखिएगा। ये गाड़ी को मैंने रोक लिया है, अब मैं इस गाड़ी को थर्ड गियर में उठाकर देखूंगा। आप देख सकते हैं कि थर्ड गियर में भी हमारी गाड़ी बड़े आराम से उठ गई है, ऐसा कोई वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा इंजन है कितना कैपेबल है। अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। अब हम गाड़ी को थोड़ा हाई RPM पर भी चलाकर देखेंगे, 80 से 100 की स्पीड पर चलाकर देखेंगे, बिकॉज इस गाड़ी में 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। तो अभी हमारी गाड़ी 5th गियर में है और अभी हम इसे 80 की स्पीड पर ले जाकर देखते हैं। ये हमारी गाड़ी अभी 80 की स्पीड पर चल रही है, लेकिन अभी केबिन में ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमारी गाड़ी इतनी स्पीड पर है, क्योंकि इस गाड़ी में जो स्टेबिलिटी हमें मिलती है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। बात जब भी सेफेस्ट हैचबैक की आती है तो कि सबके दिमाग में सबसे पहले नाम अल्ट्रोस का ही आता है, क्योंकि इसके सेगमेंट में यही एक ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार स्कोर किए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसे i20 और बलेनो से कंपेयर करेंगे, जो कि डायरेक्ट इसके राइवल्स माने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका बजट कम है और आप एक ऐसी सेफ कार लेना चाहते हैं तो आप टियागो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसने भी ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेट किए हुए हैं। अगर आप टियागो का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रोस, तो आज हम इसे इसके राइवल्स से कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, जब मैं ये गाड़ी लेने गया था मैंने तीनों गाड़ियाँ देखी थी, लेकिन मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी पसंद आया। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो है ये बेस वेरियंट है, उसके बावजूद भी इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को लेना प्रेफर किया था। बात करें इसके स्टीयरिंग रिस्पांस की, तो कई गाड़ियों में यू टर्न लेने में ये समस्या रहती है कि उनका स्टीयरिंग सेंटर में अच्छी तरह से अलाइन नहीं हो पाता है, लेकिन इस गाड़ी के साथ आपको ये भी समस्या नहीं रहने वाली है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में टाटा और महिंद्रा का एक अलग ही फैन बेस है, और उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जिस कीमत में इतनी अच्छी सेफ्टी ये दोनों कंपनियाँ हमें प्रोवाइड कर रही है, वैसी हमें कोई और कंपनी अभी ऑफ़र नहीं कर रही है।
इसे इसके राइवल से कंपेयर करें, तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें इसके स्टेयरिंग की। यार जो इसका स्टेयरिंग है ना, ये काफ़ी लाइट है। जब भी आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे ये इतना स्मूथ रहता है, और जैसे जैसे हम इस गाड़ी को हाईवे पर चलाते हैं हमारी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसका वेट भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। जब आप इसे हाईवे पर चलाएंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देने वाला है, और आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो। अब बात करें इसके गियर शिफ्टिंग की। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, जो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि इसके गियर थोड़े से हार्ड हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने गाड़ी चलाई, ये गियर शिफ्टिंग जो है मेरी बिल्कुल स्मूथ हो गई। लगभग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद मेरे गियर बिल्कुल स्मूथ हो चुके थे, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती अब गियर चेंज करते वक्त। फ्रेंड्स कभी कभी मेरा फर्स्ट गियर अटकता है, वो बात ज़रूर है, लेकिन ऐसा सिर्फ 100 में से 1 या 2 बार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी को ही हम इतनी छोटी सी कमी के लिए गाड़ी को रिजेक्ट कर दें। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास भी हुंडई की नियोस है, जबकि हुंडई के गियर बॉक्स आप जानते हैं कि कितने अच्छे होते हैं, और वो गाड़ी अभी सिर्फ 22 हज़ार किलोमीटर चली है। उसके बावजूद उस गाड़ी के रिवर्स गियर में समस्या है कि कभी कभी अपन रिवर्स गियर लगाते हैं तो उसका रिवर्स गियर अटकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गाड़ी ही बेकार है। फ्रेंड्स अगर आप इसे लंबे टूर पर भी ले जाते हैं तो आपको कहीं से भी थकान नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका जो सीट कुशनिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद इसका जो स्टेयरिंग है ये भी हमें लंबे टाइम चलाते वक्त काफ़ी सपोर्ट करता है। और रही बात इसके अगर क्लच की करें, तो इसका जो क्लच है वो काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है। अगर आप बार बार सिटी ट्रैफिक में भी हैं और बार बार क्लच को प्रेस करने की भी ज़रूरत आपको लगती है, तो आपको कहीं से ऐसी थकान महसूस नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स मैंने इसे एक बार में 600 किलोमीटर की ट्रिप पर मैं ले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स जब भी आप किसी लॉन्ग टूर पर जाएं तो फिर भी हमें 3 से 4 घंटे के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को भी थोड़े रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें इसके माइलेज की, क्योंकि लोगों के दिमाग में टाटा को माइलेज को लेकर ही थोड़ा सा डाउट रहता है, तो अगर आप इसे i20 से कंपेयर करेंगे तो उसका माइलेज भी आपको इतना ही बल्कि 17 से 18 का ही माइलेज मिलने वाला है। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास एक i20 है जो कि उसे 17 से 18 तक का ही माइलेज देती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को अगर अच्छे से लाइट फुट होकर चलाएंगे तो आप इससे बड़ी आसानी से 20 तक का माइलेज निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब इसे 600 किलोमीटर की ट्रिप पर ले गया था उस टाइम हम गाड़ी में 4 लोग थे और हमारा लगेज भी था, उसके बावजूद मैंने इस गाड़ी से टैंक टू टैंक 21 का माइलेज निकाला है। तो अगर आप इस गाड़ी को अच्छे से चलाते हैं तो यकीनन आप मानिए कि ये गाड़ी आपको 20 तक का माइलेज बड़ी आसानी से दे देगी। हाँ अगर बात करें हम मारुति की बलेनो से, तो बलेनो से ज़रूर इसका माइलेज 1 से 2 तक कम रहने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि 1 से 2 के माइलेज से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि आज के ज़माने में इंडियन कस्टमर सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी देने लगे हैं, और ये बात आप टाटा और महिंद्रा के सेल्स फिगर से भी देख सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिल चुके हैं, लेकिन जब भी आप इस गाड़ी का गेट बंद करके देखेंगे तो इससे जो थर्ड साउंड आती है उससे भी आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। और इस कीमत पर ये जो गाड़ी है एक काफ़ी अच्छा ओवरऑल पैकेज साबित होती है, क्योंकि इस गाड़ी में हमें जो भी हमारी बेसिक नीड के फ़ीचर्स हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, जो भी हमारी बेसिक नीड के फ़ीचर्स हैं वो हमें सभी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। हाँ कुछ एक फ़ीचर्स में ये गाड़ी इसके राइवल्स जैसे बलेनो से पीछे रह जाती है, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले, वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो हमारी बेसिक नीड के जो जो भी फ़ीचर हैं वो इस गाड़ी में हमें पूरे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज है गाड़ी साबित होती है। बात करें इसके सस्पेंशन की, तो नो डाउट इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें हल्के फुल्के गड्ढों की, तो नॉर्मल स्पीड में अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको केबिन में बिल्कुल भी झटके महसूस नहीं होंगे, उन गड्ढों पर यह गाड़ी बड़े आराम से निकल जाती है। वो बात अलग है कि आप अगर तेज़ स्पीड पर इस गाड़ी को निकालेंगे तो आपको केबिन में झटका महसूस होगा। बाकी इसके सस्पेंशन जो है इसके राइवल्स से काफ़ी अच्छे हैं। जब भी आप इसे ऑफ रोड पर भी चलाएंगे तो ये सस्पेंशन आपको काफ़ी स्टेबल राइड
और काफ़ी कंफर्टेबल राइड देने वाले हैं। फ्रेंड्स, लोगों के मन में टाटा की रिसेल वैल्यू को लेकर भी डाउट रहता है कि अगर हमने ये गाड़ी खरीदी तो कभी जब भी हमें इसे बेचने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी हमें रिसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब टाटा जो भी है काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है, जिससे लोगों के मन में इसके प्रति विश्वास पैदा हुआ है। इस गाड़ी की कीमत चेक करने के लिए मैंने इसका एड अपलोड किया था, तो मेरी जो भी उम्मीद थी उससे काफ़ी अच्छा प्राइस मुझे ऑफ़र मिल चुका था, लेकिन अभी मैंने वो सेल नहीं किया है। तो आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना वर्थ रहेगी ये मैं आपको कंक्लूज़न में बताऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी सर्वगुण संपन्न नहीं होती। एक गाड़ी में कोई चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर क्रूज़ करते हैं तो इस गाड़ी में जो वेट है उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी हमें काफ़ी बेहतर मिलती है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं 70 की स्पीड पर मेरी गाड़ी चला रहा हूँ और मैं लेन चेंज करता हूँ तो बिल्कुल हल्का सा स्टेयरिंग मोड़ने पर भी गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेटली लेन चेंज करती है। जितना आप स्टेयरिंग मोड़ेंगे, जैसे मैं बिल्कुल देखिए हल्का सा मोड़ता हूँ और मेरी गाड़ी बड़े आराम से लेन को चेंज कर लेती है। तो इसका स्टेयरिंग फीडबैक भी जो है वो इसके सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। तो अगर हम बात करें तो इसमें हमें बेस्ट इन क्लास सेफ्टी, बेस्ट इन क्लास इसका जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स और बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट मिल जाता है। बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप पैनिक ब्रेक करते हैं तो गाड़ी में ABS और EBD तो पहले ही दे रखे हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी आप देखिए मेरी गाड़ी 70 की स्पीड पर है और ये मैं ब्रेक लगाता हूँ तो गाड़ी काफ़ी जल्दी अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेती है। और फ्रेंड्स, आपके मन में इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर भी सवाल होगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसके राइवल से कम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें 165 mm देखने को मिलता है, जबकि बलेनो और i20 में आपको 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप मानिए कि मुझे आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है, जबकि मैं इस गाड़ी को अपने गांव पर भी, जहां पर काफ़ी अच्छे रोड नहीं है, वहां पर भी इसे ले जा चुका हूं। लेकिन इसके जो सस्पेंशन है वो गड्ढों को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड इशू भी हमें नहीं आता है। बात करें हमारे कंक्लूज़न की कि क्या यह गाड़ी आपको लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी गाड़ी से हमेशा 20 प्लस का ही माइलेज चाहिए तो फिर आप इस गाड़ी को मत लीजिए। लेकिन अगर आपको एक इस कीमत पर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज, काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी और एक बेस्ट इन क्लास सेफ्टी प्रोवाइड करे, तो फिर आप इस गाड़ी को ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं इस गाड़ी को 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मैं इस गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। और बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो इसमें जो म्यूजिक सिस्टम हमें दिया हुआ है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। आप किसी दूसरी गाड़ी में देखेंगे तो आपको ऐसी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है कि इस कीमत पर यह गाड़ी आज भी लेना काफ़ी सही है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई ऐसा वाइब्रेशन वगैरह का जो भी हल्का फुल्का थोड़ा इशू था पहले, वो अब BS6 फेज 2 आने के बाद वो भी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल, आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक बार इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेकर देखिए। बाकी आपका डिसीजन है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं,